हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करने के फायदे। और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा अगर हम बात कर ले, देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक नए रिवोल्यूशन से गुजर रहा है। ईवी की मार्केट आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करते हो ना, तो सबसे बड़ा फायदा है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। जॉब सिक्योरिटी अगर देखी जाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो आईटी इंडस्ट्री से मच बेटर है। ठीक है, कोई ऐसी आपदा ना आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे कि मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो आप समझ लो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको जॉब सिक्योरिटी आईटी इंडस्ट्री से मच बेटर है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, और जो 15 साल से मारुति सुजुकी में जॉब कर रहे हैं, जो टाटा में पिछले 8 सालों से जॉब कर रहे हैं, उन लोगों से जब हमारी बात होती है या फिर उन लोगों से जब हम मिलते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं जो लोग टाटा छोड़ करके NTPC में गए हैं, क्या रीजन था गए थे, लेकिन ये है जॉब सिक्योरिटी में टाटा जैसी कंपनियां ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं कुछ कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बेकार कर रखी हैं, लेकिन मैक्सिमम टाटा जैसी जो कंपनियां हैं जॉब सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब वो रहती है कि हम अपने एम्प्लॉयों को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखें। कभी टाटा कंपनी ये नहीं चाहती कि उसका बंदा 1 साल या 2 साल में चला जाए, वो चाहते हैं 10 साल 15 साल। ऐसे ऐसे लोग हैं पूरी लाइफ टाटा जैसी कंपनियों में बिता दिए। तो सबसे बड़ा एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने का ये फायदा। दूसरा फायदा ये है कि आपको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना पड़ता है और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। अदर फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक फिक्स चीज़ रहता है, और लेकिन अभी करंट टाइम में ये है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है एक मेजर बदलाव से गुजर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रहा, ऑटोमेशन फील्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाते हो तो ऑब्वियसली देखो, चाहे आप ITI किए हुए हो, सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल फील्ड में ITI वाले, पॉलिटेक्निक वाले जाते हैं, उसके बाद फिर BTEC वालों को एंट्री होती है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर जाना है आपको ना, तो सबसे पहले अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और नॉलेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑब्वियसली चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो से रिलेटेड हो, चाहे वो IoT से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑटोमेशन से रिलेटेड हो। जो चीज़ें प्रैक्टिकली अगर आपको आती हैं, तभी जा करके आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। लॉन्ग ड्यूरेशन का करियर होता है। रोबोटिक्स भी आ जाती है कहीं ना कहीं, रोबोटिक्स जो डिजाइनिंग होती है, रोबोटिक्स की मार्केट भी काफी हाईलाइटेड मार्केट है। एक टाइम था रोबोटिक बहुत तेज चला था जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन बीच में ठप हो गया क्योंकि मल्टीपल फेल्योर हो रोबोटिक्स में। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोबोटिक्स ऑटोमेशन का बहुत यूटिलाइजेशन होता है। आप देखते हो गाड़ी ऐसे आ रही है, वहां से कोई पार्ट उठा के ऐसे लग रहा है, यहां से उठा रहा है, ये ऑटोमेशन ही है, ऑटोमेशन का ही कमाल है। और देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो आपको पहले प्रिपरेशन कर लेनी पड़ेगी, मतलब चीज़ें सीख लेनी पड़ेगी। अच्छे से सीख करके जाओगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टिकोगे आप, और अगर नहीं अच्छे से करके जाओगे तो उसके नुकसान भी खतरनाक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, कि मतलब आपका करियर एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा और नहीं चल पाओगे आप। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप वापस आ जाओगे, ठीक है, आप खुद ही वापस आ जाओगे, कंपनी सिखाएगी आपको। और दूसरा ये है कि इंटरेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है गाइज। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो चीज़ें वहाँ भी मतलब मैनिपुलेट हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आपके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कुछ लोगों का क्वेश्चन मार्क आया था कि सर, सिर्फ आपको लगता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नाम है तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर ही जाएंगे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा, देखो, चाहे मैकेनिकल टूल्स या प्रोडक्शन से हो, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो भी जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो भी जा सकते हो, और देखो कंप्यूटर साइंस और IT वाले भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्रोग्रामिंग बेस्ड काम करती हैं, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, और IT वाले भी जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल कह लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक पैकेज है, तो उस पैकेज का आपको फायदा उठाना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में बड़ा नाम कह ले तो मारुति सुजुकी है, टाटा है, टोयोटा है, उसका BMW है, मर्सिडीज है ही है, उसके बाद फिर हीरो होंडा है, और हीरो अलग है, होंडा अलग है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी आ गई हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का
आपको एक चीज और मैं बता दूं, अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई ना जो मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं, ब्लॉकचेन और ईवी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके और ईवी का, आईओटी का यूज करके एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आ गए। तो वो सारी चीजें आपको आने चाहिए, ब्लॉकचेन किस तरह काम करता है, ईवी कैसे काम करती है, आईओटी कैसे काम करता है, तभी जाकर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल इंजीनियर आप बन सकते हो और अच्छा खासा करियर बना सकते हो। आईटीआई वालों और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा जॉब वहां गए जनरेट होती है, ठीक है। तो आप ट्राई करो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले अपने स्किल पे काम करो। जब स्किल पे काम करोगे, जो मैंने बताई है स्किल, उस पे काम करोगे तो ऑब्वियसली आपका करियर बहुत दूर तक जाएगा। और अगर आपके करियर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, तो career@education.com पे जाके ₹199 में सर्विस लेके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।